नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बचने से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं इसी के चलते थाना फतेहपुर पुलिस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर स्थित वडकला चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर जैसे ही चेकिंग करनी चाहिए तो उसमें एक शख्स भागने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने हिरासत में लेकर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बीती रात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित थाना फतेहपुर की वडकला पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूदा थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार अपने सहयोगी के साथ मिलकर वाहन चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक सफेद रंग की कार संख्या UK 7 को देखा तो रुकने का इशारा किया तो कार चालक कार लेकर भागने लगा, जिसका पीछा कर पुलिसकर्मियों ने कार को रोक लिया। कार का चालक पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद उसके पास से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। सूचना मिली थी एसओ फतेहपुर द्वारा कि कुछ पैसे जो है चेकिंग के दौरान उनके द्वारा पकड़े गए हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट में वहां गया था उच्च अधिकारियों के निर्देश पे, उसके बाद फिर आयकर विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। 20 लाख रुपए थे। हरदोई में GST के लगातार पड़ रहे छापों को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और GST की छापेमारी को बंद किए जाने की मांग करते हुए कहा कि व्यापारी से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल युवा के प्रदेश अध्यक्ष विभु गुप्ता और जिलाध्यक्ष हरदोई विमलेश दीक्षित के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया है। इससे पहले कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों ने दिए गए ज्ञापन में कहा कि वो लोग GST की इस तरह की छापेमारी का विरोध करते हैं। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जो GST बन रहा है टैक्स व्यापारी जमा कर रहे हैं, कहा कि अर्थव्यवस्था व्यापारियों पर ही टिकी हुई है, लेकिन फिर भी व्यापारियों को दूसरी निगाह से देखकर छापेमारी कर उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार टैक्स जमा कर रहे हैं फिर भी इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। व्यापार मंडल इस तरह की छापेमारी का विरोध करता है क्योंकि एक जगह छापेमारी होती है लेकिन पूरा बाजार भयभीत हो जाता है। कि अभी पूरे प्रदेश भर में सभी शहरों में ताबड़तोड़ छापे पड़ने लगे हैं, जिसका व्यापार मंडल ने सदैव विरोध किया है। इस तरीके से जनरल सर्वे छापे का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हमेशा विरोध करता रहा और करता रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोगों की कोई जानकारी नहीं होगी ऐसे पूरे बाजार में भय का माहौल व्याप्त है और लोग अपनी दुकानों को बंद करके अपने घरों को चले जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज इस बात का माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देता है कि तत्काल सर्वे छापों को बंद किया जाए ताकि व्यापारी आराम से अपना व्यापार कर सके। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार दीक्षित, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। GST का विरोध कर रहे हैं और चूँकि GST जो है हम व्यापारी अपने जो भी हम लोगों का GST हम लोगों का बन रहा है वो हम लोग अपना निर्वहन कर रहे हैं, GST जमा कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था है हम लोगों पे टिकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम व्यापारियों को एक दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है। सर्वे छापे जो कि 10-15 साल पहले भी बंद हो चुके थे, आज वो पुनः चालू कर दिया है। अगर कहीं पे कोई आपत्ति है तो हम व्यापार मंडल के अधिकारियों को सूचित करें कि भाई हमको यहाँ पे ये देखना है, तो हम लोग भी साथ में हों ताकि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो। व्यापारियों का भय व्याप्त है इस वक्त। एक अगर किसी भी एक दुकानदार के यहाँ अगर छापेमारी होती है पूरी उस रोड की पूरा दुकान मारे भय के लोग अपना काम बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं और सहलक का टाइम है। रायवाला पुलिस ने नशे की रोकथाम के लिए हरिद्वार देहरादून हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध कार से पुलिस ने 9 पेटी शराब पकड़ी। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चला रहे गुरमीत सिंह और कार में बैठे नरजीत सिंह को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद पुजारी ने बताया कि गुरमीत सिंह भगवानपुर हरिद्वार और नरजीत सिंह बिहारीगढ़ सहारनपुर का रहने वाला है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया।
फिरोजाबाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर दो मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बुधवार को एक छात्र का मोबाइल लूट लिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने देर शाम दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरों के पास से मोबाइल ने लूटा हुआ मोबाइल, तमंचा और लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है। घटना का खुलासा करने के बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों लुटेरों को जेल भेज दिया है। लगातार ये लुटेरे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आखिरकार 12 घंटे के अंदर ही इन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राम गोपाल जी, कैसे आपका मोबाइल मिला? जैसे सर हम जा रहे थे रास्ते में, तो पीछे से पुलिस से बाइक से लेकर आए और उन्होंने मोबाइल जैसे छीन लिया और सर थे पीछे से, सर ने आकर पकड़ लिया। पुलिस वाले सर थे, उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया और पकड़ के उन्हें मारा सीधे। हम भी पहुँचे थाने। कितने आरोपी थे? दो लोग। जालौन में डकौर विकासखंड के दर्जनों ग्राम प्रधान लेखपाल के खिलाफ लामबंद हो गए, जिन्होंने उरे कलेक्ट्रेट में मुहाना लेखपाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले प्रधानों का कहना है कि भ्रष्ट लेखपाल फर्जी तरीके से प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिखाया है, इस मामले की जाँच की जाए, साथ ही भ्रष्ट लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डकौर विकासखंड के ग्राम कुलमियालिया के प्रधान कृष्ण कुमार के नेतृत्व में दर्जनों प्रधान उरे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुहाना गांव के लेखपाल विनोद कुमार वर्मा के खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन किया। साथ ही लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की है। डकौर विकासखंड के प्रधानों का कहना है कि मुहाना गांव का लेखपाल विनोद कुमार वर्मा सबसे भ्रष्ट लेखपाल है, जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन टीम से पहले भी जेल भिजवाया जा चुका है और अब मुहाना गांव का लेखपाल बनकर सरकारी जमीन पर ग्रामीणों से रुपए लेकर फर्जी तरीके से मकान बनवा रहा है, जिसका विरोध ग्राम प्रधान जीतू द्वारा किया गया तो लेखपाल ने उल्टा प्रधान के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। रिश्वत मांगने का ऑडियो भी लेखपाल का है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, 30,000 रुपए लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करा चुका है, जिसके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्रावस्ती में सेफ सिटी परियोजना अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान विमेन पावर लाइन 1090 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यूपी के अलग अलग जनपदों में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ मुख्यालय द्वारा जन जागरूकता संबंधित कार्यक्रम संचालित किए गए, जिससे विमेन पावर लाइन 1090 के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपदों में जाकर कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में अभी जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर से किया गया, उसके लिए 4 सदस्य टीम 11 दिवसीय गोरखपुर जोन को भेजी गई है। प्रत्येक टीम में एक अदद टाटा विगर वाहन, 4 सदस्य टीम, पुलिस के प्रचार प्रसार हेतु कलाकार और जगह तैयार करना भी विमेन पावर लाइन 1090 का शुभारंभ सम्मिलित शामिल है। गोरखपुर में संपत्ति विवादों में रिश्तों का कत्ल हो रहा है, लेकिन महज 2 फीट जमीन के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समाज को हो क्या रहा है। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केवटिया टोला में मात्र 2 फीट जमीन के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की लकड़ी से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बता दें कि 6 तारीख को धर्मेंद्र शराब के नशे में अपने घर पहुंचा और मां, छोटे भाई, उसकी पत्नी से जमीन जायदाद को लेकर गाली गलौज करने लगा, झगड़ा करने लगा। इस पर मां ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुम अभी शराब के नशे में, उसके घर जाओ, जो बात होगी वो सुबह होगी। लेकिन धर्मेंद्र शराब के नशे में पूरी तरह से पागल हो चुका था, लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा था। इस बीच छोटे भाई की पत्नी को भी गाली गलौज, छेड़छाड़ करने लगा, पत्नी को लेकर घर के अंदर जाने लगा। इसी बीच धर्मेंद्र वहां पड़े लकड़ी का ढेर उठाकर अपने भाई पर वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक हत्या के अभियुक्त धर्मेंद्र सन ऑफ मुरली, जंगल तिकोनिया नंबर 1, टोला कहवटिया के रहने वाले को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे के आसपास यह व्यक्ति शराब पी के अपने घर पे आया और इसकी अपने ही भाई और भाई की पत्नी के साथ गाली गलौज किया। इनका एक संपत्ति का विवाद है, जो कि 1 फीट से 2 फीट का जो बंटवारा है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर था। इनकी मां ने बताया कि आप दिन के समय में, आप इस समय जो भी विवाद, अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमटेक रोबोटिक के छात्रों ने गुरुवार दोपहर डेवलपमेंट के नाम पर 50,000 की फीस जमा करने का विरोध करते हुए बाबा सैयद गेट को बंद कर धरना शुरू किया। छात्रों ने डेवलपमेंट फीस वन टाइम जमा करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लैब फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाने के साथ दोबारा पैसे नहीं जमा करने के लिए लिखित आश्वासन की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की भी चेतावनी दी है। ये प्रदर्शन ये है कि एमटेक के कुछ स्टूडेंट हैं रोबोटिक्स के, उनसे डेवलपमेंट चार्ज जो है 50,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है फिर से, जो कि गलत है। हम उसी चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारे पास डीन, चेयरमैन, प्रिंसिपल सबके ये है कि डेवलपमेंट चार्ज एक बार लिया था, दोबारा नहीं लिया जाता, तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। जो हमारे चेयरमैन, जो फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था ये सेल्फ फाइनेंस के तौर पे एक बार पेमेंट करना है वो 50,000 रुपये एडमिशन के टाइम पे। वो सारे बच्चों ने जमा कर दिया एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद अब दोबारा जब सेकंड ईयर बच्चे आ गए हैं उनसे दोबारा मांगा जा रहा है 50,000 रुपये। ये लूट थोड़ी चल रही है यहाँ पे। और कंट्रोलर साहब जो है अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को पहला एप्लीकेशन दिया गया था, 4 अक्टूबर से आज तक की डेट पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है हमारा। तो हमारा डिमांड ये है कंट्रोलर साहब इस चीज़ पर सुनवाई करें, जो गलत चीज़ें हो रही है इसको सरासर रद्द करें। हमें रिटर्न में चाहिए इस चीज़ का आश्वासन पूरा। अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, ना उनके हॉल टिकट आए, ना आई कार्ड आया, ना उनका अभी तक एग्जाम हुआ, और पैसे चाहिए बस इन्हें। अभी आपने प्रदर्शन में क्या क्या कर रखा है? हमें प्रदर्शन में हमने कुछ नहीं करा। हमें बस यही हमारा डिमांड है, जो ये 50,000 रुपये लूटपाट मचा रहे हैं वो उसे ख़त्म करें और लैब अवेलेबल कराएं, बच्चों को जो है फैकल्टी अवेलेबल कराएं, जो कि श्रावस्ती में एक साथ 4 शातिर गौवध आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। 25,000 के नामी शातिर गौवध आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों पर गैंगस्टर समेत गौवध अधिनियम में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर इकौना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2000 चाकू, गंडासा और रस्सी और लकड़ी भी बरामद की गई है और मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।